गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बनाने जाने वाले आलू चाट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने उबाल लिए थे आलू और कुछ चने थे और मूंग थी। तो प्याज, हरी मिर्ची, नींबू और टमाटर को हमने कट करके रख लिए हैं। अब इन्हें मैश करना है आलू को, और इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर दें, और नमक लेने के बाद इसे मैश कर दें। एकदम चिकना चिकना मैश करना है। तो अब हमने कढ़ाई रख दी थी, जिसमें हमने कटे हुए लहसुन डाल दिए और जीरा और खड़ा धनिया इसमें ऐड कर दिए। अब सारी चीज़ों को इसमें धीरे धीरे करके ऐड करते जाना है। अब इसमें हमने प्याज कटा हुआ ऐड कर दिए हैं। गाइस, इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर दो हम। अगर आपके पास इमली का जो पानी है, अगर वो आपके पास रहे तो काफ़ी अच्छा है। इसके लिए हमने इसमें नींबू लिए थे। तो सारे मसाले को हमें तल लेना है। अब आती है इसमें लाल पाउडर डाल देंगे मिर्ची का, और उसे मिक्स करके इसे तलना है। तो अब इसमें टमाटर ऐड कर देगा इस, और टमाटर को अच्छी तरह इसमें मिक्स करें और इसे एकदम सॉफ्ट होने तक इसे तलिए। और अगर इस वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। हम कोशिश करेंगे आपके लिए ढेर सारी वीडियो लेकर आए। तो अब इसमें हमने इसके लिए आलू को इसमें ऐड कर देते हैं। तो अब आलू को मैश करके इसमें डाल दिए। तो अब इसे आप मस्त जो मसाला है उसके साथ इसे तलिए। तो हमारी चाट जो है वो रेडी होने के लिए रेडी हो चुकी है। तो इसमें इसको 10 मिनट तक ऐसे ही तलिए। अब लो फ्लेम कर देना है। गाइस, इसमें अब हमने एक नींबू को इसमें निचोड़ लिए हैं, उसका रस निचोड़ लिए हैं, ताकि ये खाने में एकदम टेस्टी स्वाद दे। अगर आपके पास इमली का पानी हो तो उसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। होप है गाइस वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो अब हम इसे सर्व करने के लिए इसमें हमने निकाल लिए। गाइस, बहुत अच्छी बनती है। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब माई चैनल।